नमस्कार, इजी आयुर्वेदा हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जनार्दन हेब्बार बोल रहा हूँ। आज का क्वेश्चन है कि हर्बल घी जो बनता है, जिसमें हम हर्ब्स को घी में मिलाकर उसको प्रोसेस करके जो घृत जो बनाते हैं, इसको हर्बल घी बोलते हैं या घृतास बोलते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों में इसको लेने में बहुत तकलीफ होता है, कुछ लोग इसका स्मेल, इसका टेस्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स में हर्बल घी को हम बहुत यूज करते हैं। हर्बल घी माने हम घी को लेते हैं, उसमें कषाय वगैरह द्रव पदार्थों को डालते हैं और कुछ हर्ब्स का पाउडर या कल्क को पेस्ट बना के डालते हैं और उसको हीट करके घी बनाते हैं। जो हर्ब्स जो होते हैं उनमें जो औषधीय गुण होते हैं, उन गुणों को हम हर्ब्स से घी मीडियम में लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घृतास को हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स डेली प्रैक्टिस में पेशेंट्स को देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महातिक्तक घृत, ये बिटर, ये बहुत कड़वा घी है और इसको स्किन डिजीज में और फीवर में, बुखार में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फलासर्पिस, इसको वुमेन में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, बच्चे ना हो तब ओव्यूलेशन वगैरह अच्छा तरीके से होने के लिए हम उस ट्रीटमेंट में फलासर्पिस घी को यूज करते हैं, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ऋतु संबंधी डिसऑर्डर्स में भी हम इस घी को यूज करते हैं। नेक्स्ट गुग्गुलु तिक्तक घृत, इसको जो वूंड्स जो हील ही नहीं होता है, बहुत दिन के बाद भी हील नहीं होता है, जैसे डायबिटीज में होता है और एब्सिस बन जाता है, उसमें पस वगैरह बन जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट पे हम गुग्गुलु तिक्तक घृत यूज करते हैं। नेक्स्ट महाकल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, पंचगव्य से बनता है, ये सारे घी को हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो डिप्रेशन, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घी एक अच्छा माध्यम है और हर्बल घी मेडिसिन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि उसका स्मेल कभी कभी इतना बुरा होता है और इतना कड़वा टेस्ट होता है उसका कि कई कई पेशेंट्स वॉमिट कर जाते हैं। सिर्फ इन मेडिसिन्स को देखते ही कभी कभार पेशेंट्स वॉमिट कर बैठता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? तो पहले उपाय इसके लिए यह है कि घी जो डॉक्टर देते हैं उसको हम फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकाल कर उसको टैबलेट बना के हॉट वाटर में या उष्ण जल में उस टैबलेट को हम पेशेंट को स्वैलो करने के लिए बोलते हैं। इससे थोड़ा हद तक बुरा स्मेल या कड़वा टेस्ट का चांसेस कम हो जाता है। नेक्स्ट उपाय ये है कि घी को हम हॉट कॉफ़ी या टी जो फ्रेशली बनाया हो और अभी अभी हॉट हो, तो हॉट कॉफ़ी या हॉट टी में घी मिलाकर भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, या घी को हम फूड के साथ मिक्स करके भी हम दे सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ है उसके साथ जब घी को मिक्स किया जाए तो इस बिटर घी या कड़वा टेस्ट या बैड स्मेल जो है वो खाद्य पदार्थ के अच्छा स्मेल से, अच्छा फ्रैग्रेंस से ये मास्क हो जाता है, तब पेशेंट इसको आसानी से ले सकता है। और एक उपाय ये है कि बहुत कंपनियां आजकल, जैसे कि केरला आयुर्वेदा, एवीएन आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, पेंटा केयर, ये सभी कंपनीज हर्बल घी को कैप्सूल के माध्यम में मार्केट में ले आ रहे हैं, उसको भी हम दे सकते हैं। क्योंकि ये कंपनियां क्या करते हैं कि हर्बल घी बना के उसको फोर्टिफिकेशन करते हैं, ताकि छोटे से घी में ही ज़्यादा औषधीय गुण मिल जाए, ऐसा करते हैं और उसको कैप्सूल बना के बेच रहे हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आयुर्वेद के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए easyayurveda.com वेबसाइट को अवश्य भेंट कीजिए।